नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। जिस प्रकार हथेली की भाग्य रेखा किस्मत के बारे में बताती है, उसी तरह जीवन रेखा से उम्र का पता चलता है। इसके अलावा हथेली की कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो जीवन की अशुभ घटनाओं के बारे में बताते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के मुताबिक हथेली का राहु रेखा के दूषित होने से जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा ये रेखा जीवन में दुर्घटनाओं का भी संकेत देते हैं। राहु रेखा और क्या क्या बताती है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। हस्त रेखा और शास्त्र के मुताबिक यदि राहु रेखा मस्तिष्क रेखा तक पहुंचकर रुक जाए तो ये अशुभ है, इससे जीवन में शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। साथ ही राहु रेखा की ऐसी स्थिति लाइफ में उथल फुथल मचाती है, इससे इसके अलावा जेल और दुर्घटना के भी योग बनते हैं। हालांकि अगर राहु रेखा मस्तिष्क रेखा के काटे तो जेल और दुर्घटना के दोष कम होते हैं। लंबी राहु रेखा कराती है भाग्य वृद्धि। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की राहु रेखा यदि लंबी हो तो यह अच्छी है। ऐसी राहु रेखा भाग्य में वृद्धि कराती है। साथ ही ऐसी राहु रेखा वाला इंसान जिस किसी भी क्षेत्र में जाता है उसमें बहुत अधिक उन्नति करता है। ऐसी राहु रेखा आमतौर पर वैज्ञानिकों और शोध करने वालों की हथेली में देखी गई है। कहाँ होती है राहु रेखा? मंगल पर्वत से निकलकर जीवन रेखा से मिलने वाली रेखा राहु रेखा मानी गई है। राहु रेखा कभी कभी मंगल पर्वत से निकलकर भाग्य और जीवन रेखा को काटती हुई हृदय रेखा तक जाती है। हस्त रेखा शास्त्र में इसे ही राहु रेखा कहा गया है। इसकी संख्या 1 से लेकर 4 तक होती है। मोटी राहु रेखा को खास माना गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।